पाचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने राज्य में कमलनाथ सरकार द्वारा किए जा रहे अफसरों के थोकबंद तबादले को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि तबादला एक प्रक्रिया के तहत हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा तबादले को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा कि अभी भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस पर नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेदारी है। राधुगढ़ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार अपनी गलती से हारता है। गुना सीट के कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी गलती से चुनाव हारे हैं। मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इस बात को सभी अच्छी तरह समझ लें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कंप्यूटर बाबा से दूर रहते हैं। कंप्यूटर बाबा द्वारा राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग को विधायक लक्ष्मण सिंह ने हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा से दूर रहते हैं, लेकिन राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज के मद्देनजर उनकी इस मांग को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में ईवीएम को दोष देना बेकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रचार नीति बीजेपी के मुकाबले बेहद कमजोर थी। बकौल लक्ष्मण सिंह, बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा पूरा फायदा उठाया, जबकि कांग्रेस के प्रचार का तरीका लोगों को टच भी नहीं कर पाया। एक तो क्या है कि मैं कंप्यूटर बाबा जैसे लोगों से दूर हूं। अभी वो आएंगे, मैं दूर से हाथ जोड़ लूंगा, चला जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके जैसा ज्ञानी नहीं हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत ज्ञानी हो गया है, और मेरा ये कहना है कि उनको ये सोचना चाहिए कंप्यूटर बाबा को हेलीकॉप्टर मांगने से पहले कि आज प्रदेश पे 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है, पानी की समस्या है, किल्लत है, पानी पिलाने का पैसा सरकार पे नहीं है, या कहीं से कर्ज लेके सरकार कर्ज ले रही है, अभी और सारा कर्ज ले लिया है सरकार ने। तो अगर वो प्रदेश के नागरिकों की चिंता करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए। और ये हेलीकॉप्टर की मांग जो है हास्यास्पद, उद्योग तो नहीं बनाया है, लेकिन तबादले ज़्यादा हुए हैं, जरूरत नहीं थी इतने तबादले। क्या होता है कि जब सरकार बंदे के अधिकारी जो होता है वो शासन का आदेश मानता है, शासन उसको वेतन देता है, तो जो शासन होता है वो उसकी बात सुनता है। ये प्रक्रिया है, इसमें अधिकारी की गलती नहीं होती ना कर्मचारी की गलती होती, लेकिन कुछ अधिकारी या कर्मचारी कुछ सीमा लांघ कर किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने लगते हैं, तो गलत। तो ऐसे अधिकारी जो एक राज, आपकी विचारधारा कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, वो आपकी विचारधारा है, आपको पूरा अधिकार, आपको जहाँ वोट देना है दी, हम नहीं आपसे कह रहे कि हम आप जबरदस्ती हमें वोट दी, लेकिन शासन जो हो उसके आदेश का पालन करिए, उसके आदेश का पालन नहीं करना अनुशासनहीनता है। ऐसे जो अधिकारी हैं उनको स्थानांतरित किया गया है, लेकिन मैं जरूरत से ज़्यादा तबादलों के पक्ष में नहीं हूँ, न कभी रहा। मैंने किसी भी अधिकारी के तबादले के लिए मेरी विधानसभा में नहीं कहा। अभी भी आप जाइए तो चाचौड़ा में आपको पुराने अधिकारी ज़्यादा मिलेंगे, नए अधिकारी कब मिलेंगे। पर मैंने उनसे एक बात कही है कि जो विकास के काम हैं, जो सरकार की योजनाएँ हैं, उनको आप नीचे तक पहुँचाते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपकी जो भी विचारधारा है। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भेंट भी करी है, ये लोकसभा चुनाव में पहले की बात है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और छोटे जिले बनाने से विकास होता है। अशोकनगर जिला बना, आप देखिए अशोकनगर जिला बनने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आगर जिला बना, आप देखिए आगर का विकास हुआ। चाचौड़ा जो है बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, जिला मुख्यालय बहुत दूर पड़ता है, सुदनगढ़ से गुना की दूरी 100 किलोमीटर से ऊपर, तो वहाँ के लोगों को बहुत असुविधा है। और अभी हम चाचौड़ा और मधुसूदनगढ़ के बीच बढ़िया आधी सड़क तो बन गई, तेली गांव से और मधुसूदनगढ़ जोड़ तक एक अच्छी प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण जल्दी कर रहे हैं, जिससे कि मधुसूदनगढ़ वालों को चाचौड़ा आने में सुविधा रहेगी। चाचौड़ा मीनागंज कुमरा की बहुत बड़ी अनाज की मंडी है, तो इस तरह सब देखते हुए अभी उसको जिला बनाने की मांग और जोर पकड़ी। राजनीति सूरज की तरह होती है, उगे डूबे फिर उगे फिर डूबे, तो ये
कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत चलती रहती है। हाँ, एक चिंता की बात यह है कि मार्जिन जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। हार जीत होती है लेकिन कितने वोट से हारे, कितने से जीते, ये भी एक प्रश्न उठता है। इसके पीछे आपके क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं मशीन को दोष नहीं दे रहा, मशीन को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम जीतते हैं तब हम दोष नहीं देते, हार जाते हैं दोष देते, वो भी ठीक नहीं। ये जो मार्जिन बड़ा है, इसके कारण ये हो सकते हैं कि शायद लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हमने उठाए थे वो जनता को अपील नहीं किए, जनता ने उनको पसंद नहीं किया। जो हमारी प्रणाली थी लोकसभा में प्रचार करने की, शायद जनता ने उसको पसंद नहीं किया। और एक देश की सुरक्षा का मुद्दा विपक्षियों ने ऐसा बना दिया कि जैसे उनके अलावा देश की सुरक्षा कोई कर नहीं सकता। ये ऐसा एक मीडिया के थ्रू, प्रचार के थ्रू उन्होंने पब्लिक में ये बात बिठा दी, जबकि ये बात सही नहीं है। देश की सुरक्षा का जिम्मा सेनाओं को है, सेना राष्ट्रपति के अधीन है, राष्ट्रपति के आदेश से सेना जो भी एक्शन लेती लेती है, तो इसमें ना प्रधानमंत्री का रोल है ना किसी पार्टी का रोल है। पर वो एयर स्ट्राइक को ऐसा बता दिया गया जैसे मोदी जी ने कराया है, जबकि मोदी जी को तो स्ट्राइक हो गई उसके बाद सूचना दी गई थी, क्योंकि ये अत्यंत गोपनीय ऑपरेशन होते हैं, सेना भी नहीं बताती, केवल राष्ट्रपति को मालूम होता है। प्रधानमंत्री को स्वयं पता नहीं था कि एयर स्ट्राइक हो गई है। जब सुबह 6 बजे एयर स्ट्राइक समाप्त हो गई, तब एयर चीफ मार्शल ने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, डिफेंस मिनिस्टर को फ़ोन किया, तब उनको पता लगा, सच्चाई ये है। लेकिन बस उसके पता लगते ही वो बिल्कुल उड़ने का घोड़े सवार हो गए, बोले हमने कराई एयर स्ट्राइक, अरे तुम्हें पता ही नहीं था तुम कहाँ से एयर स्ट्राइक कराओ।